नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है रानीखेत स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो कि जैसलमेर से काठगोदाम उत्तराखंड के बीच में रोजाना चलती है, डेली ट्रेन है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है रानीखेत स्पेशल ट्रेन के बारे में। ये रानीखेत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के नाम से भी चलती है। ये जो ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है 0513 और ये डेली ट्रेन है। जैसलमेर राजस्थान से काठगोदाम उत्तराखंड के बीच में डेली ट्रेन चलती है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। और इस ये जो ट्रेन है 26 घंटे में जैसलमेर से काठगोदाम की दूरी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 35 स्टेशंस हैं और 1256 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 48 किलोमीटर पर आवर। और ये डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है और ये कोविड स्पेशल ट्रेन है। आगे हम बात करेंगे इसके टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊँगा वो जैसलमेर से काठगोदाम तक का बताऊंगा। तो पहले सेकंड एसी की बात करते हैं। सेकंड एसी का जो टोटल किराया वो है 2155 रुपये, जिसमें 2000 रुपये बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, जीएसटी चार्ज जो है 103 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो टोटल किराया है वो है 1495 रुपये, जिसमें 1381 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, जीएसटी चार्ज जो है वो 72 रुपये है। टोटल चार्जेस जो बनते हैं वो है 1495 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है। फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 560 रुपये, जिसमें 537 रुपये बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 560 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है। फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड क्लास यानी कि जनरल एंड रिजर्व डिब्बे भी हैं। अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो आपको रिजर्वेशन के साथ ही जाना पड़ेगा। रिजर्वेशन के साथ जैसलमेर से काठगोदाम तक का जो टोटल किराया है वो है 340 रुपये, जिसमें 322 रुपये बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये है। टोटल चार्जेस जो हैं वो है 340 रुपये। ये तो हो गई टिकट किराए की बात। तो आगे हम इस वीडियो को बढ़ाते हैं और बात करते हैं रानीखेत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं जैसलमेर राजस्थान से काठगोदाम तक की इसके कौन कौन से स्टेशन हैं। रानीखेत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। जैसलमेर से ये ट्रेन जो है हर रोज रात के 2:55 पर चलती है और 26 घंटे बाद ये ट्रेन जो है काठगोदाम में पहुंचती है। और इसके तकरीबन 35 स्टेशन हैं। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का वो है रामदेवरा। रामदेवरा में सुबह 4:40 पर पहुँचती है और 4:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। 110 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है RDRA। इसके बाद ये ट्रेन जो है फलौदी स्टेशन में पहुंचती है सुबह 5:26 पर और 5:36 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 155 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है PLCJ। फलौदी जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है रायका बाग पैलेस जंक्शन में सुबह 7:47 पर पहुंचती है और 7:50 के करीब वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 291 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है रायका बाग पैलेस जंक्शन में। इसका 2 मिनट का स्टॉप है और इसका स्टेशन कोड है RKB। इसके बाद यह ट्रेन जो है जोधपुर जंक्शन राजस्थान में सुबह 8:05 पर पहुँचती है और 8:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 292 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। भगत की कोठी राजस्थान में सुबह 8:31 पे पहुँचती है और 8:33 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 295 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BGKT। पाली मारवार में सुबह 9:23 पर पहुंचती है और 9:28 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 366 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मारवार जंक्शन में सुबह 10:20 पर पहुँचती है और 10:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है और इसका यहाँ पर इंजन भी रिवर्स होता है और 396 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। ब्यावर रेलवे स्टेशन पे सुबह 11:47 पर पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 484 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अजमेर जंक्शन में दोपहर के 1 बजे पहुंचती है और 1:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। अजमेर रेलवे जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है AII और यहाँ तक की जो दूरी है 537 किलोमीटर के करीब जो है जैसलमेर से कवर कर चुकी होती है। किशनगढ़
राजस्थान में ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:41 पे पहुंचती है और 1:43 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 561 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और किशनगढ़ के बाद ये ट्रेन जो है जयपुर जंक्शन राजस्थान में दोपहर के 3:20 पे पहुंचती है और 3:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है, 671 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। गांधीनगर जयपुर में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:43 पे पहुंचती है और 3:46 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 676 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और इसका स्टेशन कोड है GADGJ। गांधीनगर जयपुर के बाद ये ट्रेन जो है दौसा रेलवे स्टेशन राजस्थान में पहुंचती है शाम के 4:24 पे और 4:26 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है और अला हज़रत स्पेशल ट्रेन के साथ यहाँ पर इसकी क्रॉसिंग होती है और 732 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बांदीकुई जंक्शन में 7:50 पे पहुँचती है और 7:52 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, इसका स्टेशन कोड है BKI और 761 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बांदीकुई जंक्शन के बाद राजगढ़ राजस्थान में शाम के 5:11 पे पहुंचती है और 5:13 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 786 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है RHG। इसके बाद ये ट्रेन जो है अलवर जंक्शन राजस्थान में शाम के 5:51 पे पहुंचती है और 5:54 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 822 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है AWR। इसके बाद ये ट्रेन जो है खैरथल स्टेशन में शाम के 6:11 पे पहुंचती है और 6:13 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 850 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है KRH। बवल रेलवे स्टेशन हरियाणा का जो पहला स्टेशन है यहाँ पर शाम के 6:38 पे पहुंचती है और 6:40 के करीब वहाँ से रवाना हो जाती है, 1 मिनट का स्टॉप है। रेवाड़ी जंक्शन में शाम के 7:12 पे पहुंचती है और 7:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 897 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है RE। इसके बाद पटौदी रोड स्टेशन पे ये ट्रेन जो है शाम के 7:38 पे पहुँचती है और 7:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 918 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पटौदी रोड का स्टेशन कोड है PTRD। इसके बाद ये ट्रेन जो है गुड़गांव हरियाणा में रात के 8:01 पे पहुंचती है और 8:03 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 948 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। गुड़गांव हरियाणा के बाद ये ट्रेन जो है दिल्ली कैंट में रात के 8:18 पे पहुंचती है और 8:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 965 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है DEC। इसके बाद ये ट्रेन जो है दिल्ली सराय रोहिला में रात के 8:38 पे पहुंचती है और 8:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, यहाँ पर रानीखेत एक्सप्रेस जो है 2 मिनट के लिए रुकती है और 974 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पुरानी दिल्ली स्टेशन में रात के 9:15 पे पहुंचती है और 10:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 50 मिनट का स्टॉप है और इसका स्टेशन कोड है DLI। पुरानी दिल्ली स्टेशन के बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के सहबाबाद जंक्शन में रात के 10:29 पे पहुंचती है और 10:31 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। गाजियाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 11:00 पहुंचती है और 11:02 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1000 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। गाजियाबाद जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है हापुर जंक्शन में पहुंचती है रात के 11:36 पे और 3 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 1036 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। हापुर जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है मुरादाबाद जंक्शन में रात के 1:35 पे पहुंचती है और 1:48 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 13 मिनट का स्टॉप है, 1140 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। रामपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 2:17 पे पहुंचती है और 2:22 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है RMU।
बिलासपुर रोड में ट्रेन जो है रात के 2:48 पे पहुंचती है और 2:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1193 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। रुद्रपुर सिटी में ये ट्रेन जो है रात के 2:58 पे पहुंचती है और 3:06 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। ये उत्तराखंड का स्टेशन है। इसके बाद उत्तराखंड के लाल कुआं जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 3:45 पे पहुंचती है और 3:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। अपने सेकंड लास्ट स्टेशन पे रानीखेत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पे सुबह 4:13 पे पहुंचती है और 4:23 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1250 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है HDW। इसके बाद ये ट्रेन जो है रानीखेत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे सुबह 4:55 पे पहुंचती है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल जर्नी है 1255 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं किसी की तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को।